बन गया मान लिया तू, और तो इस क्यूब के सेंटर पे भाई यहां से किसी भी प्लेट की दूरी कितनी होगी a by में, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना होगा q by epsilon naught, तो one of the faces से कितना होगा q by 6 epsilon naught, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा q by 6 epsilon naught, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया ठीक लिख लें ठीक, कोई अगर ऐसे खुद से हो गया नहीं खुद से है ना, बहुत छोटा सवाल है ये ठीक, कुछ और छोटे छोटे सवाल करते हैं, आज मोटा नहीं है अंशु क्या हो गया लाइट लगा दे, माइंड में नहीं है और वो नहीं है एक, तो
आधे से कितना हो जाएगा क्यू बाई टू हो जाएगा। ठीक समझ में आया, किस केस में जब ये हेमिस्फीयर हो गया। ठीक मैंने कह था ना हेमिस्फीयर का यहाँ से ढक्कन लगा दिया, ठीक, और चार ढक्कन के बाहर रखा है नीचे, ढक्कन के बाहर रखा है नीचे, तो अब ये चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स कितना जीरो। मैंने यही चार्ज ढक्कन के ठीक कहाँ रख दिया ऊपर। ठीक समझ में आई बात, तो अब वो कहाँ है स्फीयर के अंदर, और अब की बार मेरा हेमिस्फीयर के अंदर सरफेस है क्लोज सरफेस। ठीक तो कितना फ्लक्स हुआ क्यू बाई में एप्सिलॉन एफ, ये है सही आंसर उदाहरण है सही से। ठीक अच्छा बहुत गंभीर होता है एग्जाम में इस तरह के फालतू के टाइम पास सवाल आते हैं। अब कुछ अच्छे सवाल करते हैं, ठीक प्रैक्टिस। ठीक समझ में, जो भी सवाल का रिजल्ट आएगा उसको याद रखेंगे और आगे चल के मैं इस सवाल को करने की एक शॉर्टकट भी दे दूंगा सॉलिड एंगल से। अभी हमने सॉलिड एंगल पढ़ा नहीं है तो फिर हम उस तरह की टेक्निक पे बात नहीं करेंगे। ठीक हमसे क्या बोला गया सुने हमसे बोला गया कि भाई साहब हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास क्या है डिस्क है, बढ़िया सुंदर डिस्क ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। ठीक यहां से कुछ दूरी पर एक चार्ज रखा था कि कुछ दूरी पर एक चार्ज रखा था कि मान लिया कितनी दूरी पर रखा था ए दूरी पर रखा था। ठीक समझ में आया, हमसे बोला गया कि इस चार्ज की वजह से डिस्क पर कितना फ्लक्स होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखे एक निकाल के दिखाता हूँ। ठीक समझ में फटी बात में फ्लक्स फ्लक्स हुआ डिस्क प्लस फ्लक्स हुआ डिस्क। ठीक एक कंडीशन देखो, ये डिस्क इस तरीके से रखी है और यहाँ से किसी दूरी पर एक चार्ज रखा गया है कितना क्यू। ठीक समझ में आया, अरे आया नहीं आया, ये हमारी मान लिया क्या हो डिस्क हो। ठीक इस डिस्क से किसी दूरी पर, इस डिस्क से किसी दूरी पर एक चार्ज रख दिया मैंने क्या क्यू, एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू, फ्लक्स बना है, क्या बना है फ्लक्स बना है। देखो कैसे बताते हैं ध्यान से देखना थोड़ा प्रोसेस। ठीक मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें सोच के बताओ भाई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले और डिस्क से गया उनकी पास, ये डिस्क कैसा सरफेस है ओपन या क्लोज, ओपन ओपन सरफेस। ठीक समझ में अच्छा मुझे बताओ चार्ज क्यू की वजह से डिस्क के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक तो फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लाऊंगा, सिंपल वाला है इंटीग्रेशन वाला, जिसकी थिकनेस dr, जिसकी थिकनेस क्या हो dr, तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो किसी दूरी स्मॉल r पे जाके ये क्या कट कर लिए रिंग कट कर, क्या कट कर लिए रिंग कट कर लिए। ठीक स्मॉल r ये ऊपर वाला कितना कैपिटल r और बिल्कुल यहाँ पे चार्ज रखता है कितना और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक तो आपको क्लियरली समझना होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसी बनेगी, हाँ कि ना। ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखोगे जरा बताओ, रिलेटिव क्या है k into में q by में कितना k into में q by में k, ये दूरी यानी r square plus a square। ठीक है का हमारा क्या
स्क्वायर रूट और इस वैल्यू का क्या होल स्क्वायर। अरे यही लिखेंगे ना के क्यूब बाय ये दूरी, ये दूरी आपको क्लियरली दिख रही है क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको इसका याद कर देना है स्क्वायर, यानी रिपीट में कितना आ गया के क्यूब बाय में आर स्क्वायर प्लस ये वैल्यू है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कैसे मान लें ये हमारा रिंग था डिस्क था, इससे मैंने एक क्या काट ली इसे पट्टी काट ली, एक क्या काट ली पट्टी काट ली, इसकी थिकनेस कितनी है डी, इसकी थिकनेस कितनी है डी। ठीक समझ में अरे समझ में नहीं आया ठीक चलो। अब तुम अगर बहुत ध्यान दो तो इस डिस्क के लिए जो छोटा सा एरिया वेक्टर बनेगा डी ए कुछ ऐसे बनेगा, अरे ये जो भी आपने काटी है रिंग के लिए एरिया वेक्टर कैसे बनेगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है ऐसे, इनके बीच में कोई अंतर मान लो कितना हो थीटा, कितना हो थीटा। ठीक तो जो छोटा सा फ्लक्स रिंग की वजह से डी फाई लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा के इनटू में क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ कि ना, मल्टीप्लाइड बाई डी ए मल्टीप्लाइड बाई कितना कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई कितना कॉस थीटा। ठीक समझ में आएगा। अब अगर पूरा फ्लक्स निकालना हो तो इसको क्या करना होगा इंटीग्रेट, थोड़ा इन सब पे चर्चा कर लेते हैं वैल्यूज पे। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, अरे एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, हाँ कि ना। ठीक समझ में, चलो कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे ये कॉस थीटा बिल्कुल ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक a upon square root of r square plus a square। ठीक ये होगी किसकी वैल्यू cos theta। ठीक अच्छा da क्या लिखते हैं रिंग के लिए, रिंग के लिए da क्या लिखते हैं 2 pi r भैया, गुड। रिंग के लिए da क्या लिखते हैं 2 pi r dr, 2 pi r dr, 2 pi r dot dr, हां कि ना 2 pi r dot dr रिंग के लिए da ये लिखते हैं। ठीक सर ने ये वैल्यू उठाओ और यहां पे तो चलो क्या लिखोगे, तो छोटा सा फ्लक्स यानी डी फाई क्या लिखा जाएगा जल्दी बोल दो के क्यू। ठीक डीए की जगह क्या लिखना है 2 पाई आर डी आर, कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है ए स्क्वायर बाई सॉरी ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 और ये वैल्यू। ठीक ये क्या हो जाएगा जल्दी से डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई, हाँ कि ना, हाँ कि ना। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, अरे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है स्मॉल, वेरिएबल कौन है स्मॉल, बाकी तो सब कांस्टेंट है, बाकी तो क्या है कांस्टेंट, तो सिंपल इंटीग्रेशन किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको सही से लिखो, ठीक है ये लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल टू के के की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2 पाई आर डी आर इंटू में ए वाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। कौन कौन बन रहा है, पाई से पाई बन गया एक कितना हो गया 2, एक कितना हो गया 2, तो क्या आया डी वाई इक्वल्स टू, डी वाई इक्वल्स टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2 और अगर न्यूमरेटर में क्या आया आर डी आर इंटू में ए, ये आ गई किसकी वैल्यू डी फाई, ये वैल्यू किसकी आ गई डी फाई। आगे निकालना हो तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, आगे निकालना हो तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, एक बार जरा अच्छा अच्छा में इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में झंडे गाड़े आप लोग। ये दबाव ऐसा डाल हमारे लिए डीवाई कितना है, अगर ये बोलो डीवाई कितना है आर डी आर डी आर ए आर डी आर ए बाई में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में कितना, अच्छा क्यों तो लिखा ही नहीं क्यों तो था डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर
यही आया ना, ठीक समझ में आया? अरे यार नहीं आया, ठीक चलो अब आगे क्या कर सकते हैं सुनो, अब आगे इंटीग्रेट करना है, ठीक आगे क्या करना है इंटीग्रेट, ठीक समझ में? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जीरो से भाई डिस्क में अगर तुम बहुत ध्यान से हो कहाँ से कहाँ तक लिमिट रहेगी? जीरो से लेकर आर तक, जीरो से लेकर आर तक, ठीक समझ में? चलो इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक समझ में? इंटीग्रेट करते हैं कैसे करेंगे जल्दी बताओ। इसका इंटीग्रेशन क्या है? पहले आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या बना लो? जेड स्क्वायर। लेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर, समझ में? तो जीरो से का डिफरेंशिएट करो तो क्या निकल आएगा? टू आर डी आर इज इक्वल टू टू जेड डी जेड, टू जेड डी जेड, टू जेड डी जेड, ठीक समझ में? टू इन टू को मार दिया, आर डी आर इज इक्वल टू टू जी इज इक्वल टू कितना? जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना? जेड डी जेड, ठीक समझ में? जेड डी जेड समझ में, ठीक। तो चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक आर डी आर के लिए क्या रख दिया? जेड डी जेड, तो ये क्यू इन टू में जेड मल्टीप्लाई टू बाई कितना? डी जेड, ठीक समझ में? ठीक डिवाइडेड बाई जल्दी जल्दी टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या माना है? जेड स्क्वायर, ठीक। तो ये टू टू क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? जेड, क्या बचेगा? जेड, ये जेड से ये हमारा क्या आया? स्क्वायर, क्या आया? स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ जल्दी जल्दी क्यू इनटू में डी जेड बाई में कितना? टू एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, ठीक सही क्या रहेगा? ये रहेगा हाँ, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है समझ में? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? अब क्या है, अब लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी, लिमिट बदलनी पड़ेगी। चलो देख लो, जब r की वैल्यू जीरो थी, जब r की वैल्यू जीरो थी तो z क्या a के बराबर था, ठीक। जब r की वैल्यू जीरो थी तो उस समय z किसके बराबर था? a के बराबर। तो r की वैल्यू जब जीरो थी तो z किसके बराबर था? a के बराबर, ठीक समझ में? जब r की वैल्यू r हो गई, जब r की वैल्यू r हो गई तो z कितना हो जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो बेटा समझ में आया, इस इक्वेशन में r की जगह 0 रखो तो z की वैल्यू a हो गई, ठीक समझ में आया? और इस इक्वेशन में r की वैल्यू कैपिटल r रख दो तो z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a, ठीक समझ में? चलो जरा जल्दी से बोलो आंसर फट से, ठीक भाई। a क्यू बाहर, a क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाहर, ठीक। dz बाई z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया? माइनस वन बाई z, कितना हो गया? माइनस वन बाई z, माइनस वन बाई z, लिमिट कहाँ से कहाँ? a से लेकर के अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो जल्दी से आंसर, ये हो गया a क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, अरे ब्रैकेट में 1 बाई a माइनस 1 बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ठीक। जहां पर a क्या है? डिस्क से दूरी, और कैपिटल आर क्या है? रेडियस, ठीक। चाहो तो ए से एंगल हमला कर दो, चाहो तो अंदर किससे हमला कर दो? ए से। तो ये ए और यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा? ए। तो सही एक्सप्रेशन आया क्यू बाई में टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस ए बाई अंडर टू आर स्क्वायर प्लस ए। समझ में ये सही फॉर्मूला है, ठीक। फ्लक्स का ये याद होना चाहिए हर बालक को, ठीक काम में आएगा सवालों में। कैसे काम में आएगा बताता हूँ, ठीक। अरे समझ में आ गया, कैलकुलेशन खुद से कर लें प्लीज, खुद से करें कैलकुलेशन।
हमने क्या सीखा, चलिए देखो, हमने ये सीखा कि मान लिया अगर हमारे पास कोई डिस्क है जिसका रेडियस इतना है r, और वहां से किसी दूरी a पर मैं चार्ज रख दूं q, तो चार्ज की वजह से डिस्क पे कितना फोर्स होता है, q / में 2r0 ब्रैकेट में 1 माइनस आगे a / अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? ठीक समझ में? अरे आ गया, क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े, ये हमारी बात बस, ये भी हमारी बात किसकी? ठीक चल, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर, ठीक ठीक समझ में? मेरे पास क्या है? सिलेंडर, ठीक। ऑफ रेडियस आर एल लेंथ एल, एल लेंथ एल, ठीक। बिल्कुल इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू, एक चार्ज रख दिया मैंने। एग्जाम में आया सवाल है, उन्होंने पूछा कि भाई साहब फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। क्या पूछा? फाइंड सरफेस थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सवाल समझ में आया? अरे क्या बताना है? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। आप देखिए सिलेंडर में तीन तरह के सरफेस हैं, एक कर्व सरफेस है और एक इधर इधर वाले दो फ्लैट सरफेस है। ठीक समझ में? अरे आया नहीं आया? ठीक अच्छा बताओ कैसे कर सकते? सिर्फ तरीका बताओ सोच के, ठीक कैसे अप्रोच करेंगे सवाल? अच्छा सोचो, सुनो ये सिलेंडर में कौन कौन से सरफेस हैं? सवाल देखो सोचते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करते हैं? इस सिलेंडर में एक सरफेस है हमारा कर्व। देखो एक तरीका तो क्या है सुनना, एक तरीका तो ये कि भाई साहब इस पे एक रिंग काट लो, है ना? ठीक, रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा फ्लक्स लिख दो, ठीक, और फिर उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। एक तरीका तो देखो ये तरीका आपका होमवर्क है, आप इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक समझ में? हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। चलो बताओ कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचो। अच्छा ये रिंग काटने वाला तरीका कितने लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ ऐसे किया जा सकता है? बोलते हैं टोटल में से सेंटर वाला माइनस करते हैं, टोटल में से फ्लैट वाला माइनस करते हैं। हाँ गुड, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे? फ्लैट वाला। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर इस केस को तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम पाओगे, क्या पाओगे सुनना, तो तुम पाओगे कि भाई साहब ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा क्या है? सिलेंडर, ठीक। इसमें दो फ्लैट सरफेसेस हैं और एक क्या है? कर्व सरफेस। अगर इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हो तो पूरे सिलेंडर से फ्लक्स कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया अगर, ठीक बिल्कुल इसके सेंटर में चार्ज कितना रखा है? क्यू, और इसका रेडियस कितना है? आर। इसका रेडियस कितना है? आर। तो अगर मैं पूरे सिलेंडर की बात करूं, मतलब फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस बिल्कुल ये सेंटर पे है, तो जितना फ्लक्स यहां से होगा उतना ही फ्लक्स यहां से होगा, तो प्लस ट्वाइस ऑफ फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू किसके बराबर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के
के बराबर। अरे हाँ गिना, अरे हाँ गिना, अरे क्या डिस्क की वजह से फ्लक्स रखना जानते हो? अरे क्या डिस्क की वजह से फ्लक्स रखना जानते हो? चलो तो फ्लक्स टू क्रॉस सरफेस क्या आएगा? टू डिस्क की वजह से फ्लक्स। अरे डिस्क की वजह से फ्लक्स बोल दो। अगर ये पूरा एल हो तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना एल बाई टू और इसका रेडियस कितना है आर? जल्दी बोल दो। क्यू माइनस फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स। गुड, क्यू बाई में 2 epsilon naught good ब्रैकेट में 1 माइनस ये वाली दूरी दैट इज l बाय 2 ब्रैकेट में l बाय 2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर। हां कि ना? अरे हां कि ना? ठीक, सॉल्व में थोड़ा ढंग से क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। इस तरफ ये वाला एक्सप्रेशन था। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सरफेस माइनस ठीक चॉइस ऑफ क्यू बाई में 2 epsilon naught ब्रैकेट में 1 माइनस जल्दी जल्दी दूरी है एल बाई टू। दूरी है कितनी? एल बाई टू ब्रैकेट में एल बाई टू का स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाई 4 लिख देता हूँ प्लस कितना आर स्क्वायर पावर पावर। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? क्यू बाई माइनस कर दो आंसर। समझ में आपको इंटीग्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? चलो एक छाप लो, एक सवाल और बता दो जल्दी से इसी बात से। अरे ये समझ में आ गया ना सबको, कर लोगे ना? ठीक, तो आप अगला सवाल देखें। चलो अब की बार कोई बदल गलत करना। एक कोन है, क्या है कोन? ठीक, रेडियस आर, हाइट एच। ठीक, हाइट एच। ठीक, समझ में आया? यहां से एच बाई 3 ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे? एच बाई 3 ऊंचाई पर एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू, एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू। ठीक, समझ में आया? वही फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ कोन, सॉरी कोन, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ कोन। बस सीधा सीधा टक से बेसिक एक्सप्रेशन लिख दो, समझ जाऊंगा तो मैं आगे। बेसिक एक्सप्रेशन लिख दो बगैर किसी गलती के। जीरो, पूरे कोण से कितना जीरो, तो दैट इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ कोण
प्लस प्लस टू फ्लैट सरफेस ऑफ कोन, फ्लक्स कितना जीरो, फ्लक्स कितना जीरो। अच्छा सवाल है बिल्कुल, ठीक समझ में, कई बार बच्चा सीधा जीरो लिख देता है गलत से, ठीक समझ में, सीधा जीरो और सच में कॉमन मिस्टेक है ये, ठीक उसको बोलते हैं क्या टाइम पास पूछ लिया, ठीक समझ में। अच्छा अब फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख सकते हो, अरे फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख सकते हो, दैट इज प्लस टू गर्ल्स सरफेस प्लस प्लस टू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के थ्रू क्या लिखेंगे, क्यू बाई में जल्दी बोलो, अरे क्यू बाई में टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई में टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस वी दैट इज आर बाई टू ब्रैकेट में सॉरी ब्रैकेट में कितना दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ वन, हाँ कि ना, अरे यही आएगा, ठीक सर मैं टाइम पास कर, ठीक अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे आ रहा नहीं आ रहा है ये, ठीक समझ में आया, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक क्या कर लेंगे इस तरह के टाइम पास वाला, ठीक समझ में। तो हम बॉस तरफ से भी सारी सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है समझ में, अगली क्लास में वर्णन डालते हैं, ठीक तो उसको ढंग से करेंगे, ठीक आज जो हो रहा है समझ में आया सारी चीज़ें सारे सवाल, एक बार जल्दी से देखें। क्लास में जो बालक नहीं आए उनको बोल दें आ जाएं, कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा सॉल्ड एंगल का, ठीक है पढ़ूंगा सॉल्ड एंगल, जिन बच्चों के पास एससी भी है, ठीक है वैसे सभी के पास है मान के चल रहा हूँ, उसमें शायद एक चैप्टर है सॉल्ड एंगल नाम से, ऐसे में चैप्टर नहीं सॉल्ड एंगल नाम से चैप्टर एक भी लगा के आएंगे, ठीक समझ में आए ना आए चैप्टर पढ़ के कोई बात नहीं, ठीक उसकी एक रीडिंग लगा के आएंगे जिससे आपको रफ आइडिया लग जाए कि हम क्लास में क्या बात करने वाले हैं, समझ में आई बात, ये बेसिक बेसिक साइड आ जाएगा, इसको पॉज करना है, पॉज करना है बंद ही बंद।